हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम। इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। बहुत सारे लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे, लेकिन एक रिवीजन हो जाएगा आपका एग्ज़ाम से पहले। और जो इस वीडियो का पीडीएफ है वो आपको हमारी वेबसाइट www.mechanicalforum.in पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और ये जितने लिंक आपको दिख रहे हैं ये पीडीएफ में भी रहेंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये सब लिंक अवेलेबल हैं, जैसे फेसबुक, टेलीग्राम। आप इन लिंक्स के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था? देखिए, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, दोनों में ही ये लिखा हुआ है, और जितने भी क्वेश्चन हैं आगे उन सब में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने केवल हिंदी में बनाया था, तो आप लोग के काफ़ी सजेशंस आए थे कि इंग्लिश में भी रखिए। ठीक है, तो दोनों में ही रखा, उम्मीद है आप लोग को ये पसंद आएगा। तो क्वेश्चन है, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर है बी एन राव। ठीक है, ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देखते चलते हैं। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? तो इसका राइट आंसर है सर विलियम जोन्स। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप लोग एक बार रिवीजन जरूर करिएगा इन पीडीएफ से। नेक्स्ट है, विच ईयर वॉज द सप्रेशन ऑफ द क्राउड इन जलियांवाला बाग इन अमृतसर? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था, तारीख क्या थी? तो वो था 13 अप्रैल 1919, यानी कि 13 अप्रैल 1919। ओके, नेक्स्ट, थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो उसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है थॉमस कप। ओके, नेक्स्ट, नेम द कैनाल दैट ज्वाइंस द रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, इन दोनों सी को कौन सा कैनाल है जोड़ता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है स्वेज कैनाल। ठीक है, स्वेज नहर जो है इन दोनों सी को जोड़ती है। नेक्स्ट, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज, सबसे चमकीला जो सितारा है वो कौन है इस आसमान में? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सीरियस। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2017 वॉज गिवन टू, 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? ये क्वेश्चन हम लोगों ने अपने करंट अफेयर वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था, और ये क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा गया था, आई होप कि ये फिर से रिपीट हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया और सरदार सिंह। देवेंद्र झाझरिया एक पैरा एथलीट हैं और सरदार सिंह हॉकी का एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। ठीक है, तो देवेंद्र झाझरिया और सरदार सिंह, ये दो नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन एनएमएल। ठीक है, एनएमएल नाम से काफ़ी फेमस है ये नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, ये कहाँ पर है? तो ये है जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर कहाँ पर? झारखंड में। नेक्स्ट, रॉक थीम पार्क इज लोकेटेड इन, रॉक थीम पार्क कहाँ पर है? तो वो है केरला में। ओके, अगला देखते हैं, द बुक द इनसाइडर, द इनसाइडर नाम की बुक है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है पी वी नरसिम्हा राव ने। ओके, नेक्स्ट, द्रोणाचार्य अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किसको दिया जाता है? तो वो बेसिकली कोच को दिया जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स कोच, जैसे कि अभी शायद लास्ट टाइम जो दिया गया था वो दीपा कर्माकर के जो कोच थे उनको दिया गया था। ठीक है, दीपा कर्माकर जिनको ओलंपिक में, एक जिमनास्ट इंडिया की जिनको ओलंपिक में 4th रैंक मिली थी, आई होप कि आप लोग को याद होगा, तो उनके जो कोच थे उनको दिया गया था द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है? कोच को। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन हु वन द गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स? एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कमलजीत संधु। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा नीचे लिखा भी हुआ है कि 1970 में जो बैंकॉक में एशियन गेम्स हुए थे उन्होंने उसमें जीता था गोल्ड मेडल 400 मीटर की रेस में। ठीक है, कमलजीत संधु नाम है। पीडीएफ में आप लोग ये डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लीजिएगा, एक दो क्वेश्चंस में ही लिखा हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं था तो ऐड नहीं कर पाए हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज़ द टैगोर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन? टैगोर सेंटर कहाँ पर है संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए? तो वो है शिमला में। ओके, नेक्स्ट, द बुक द ऑडेसिटी ऑफ होप, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द ऑडेसिटी ऑफ होप, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है बराक ओबामा ने। ठीक है, नेक्स्ट, दीपिका कुमारी इज नोन फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस। तो दीपिका कुमारी वैसे किस खेल से संबंधित है बेसिकली क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा आर्चरी। ओके, दीपिका नाम से एक्चुअली कह लो, दीपा कर्माकर और दीपिका पल्लीकल भी, ठीक है, कई नाम है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं,
Who wrote the book Never Gandhi Not Again? Never Gandhi Not Again नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उमेश सैगल. उमेश सैगल है नेवर गांधी नॉट अगेन के लेखक. ठीक है. नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर है? ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है. तो ये है हेग में. ठीक है, आप लोग याद रखिएगा जरूर. अगला देखते हैं, व्हेन इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व. विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 11 जुलाई. ठीक है, हम लोग ज़्यादा देखिए टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं कुछ भी, सीधे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको बताया जा रहा है यहाँ पे. और बाद में आप PDF डाउनलोड कर दीजिएगा और टाइम टू टाइम आप रिवाइज भी कर सकते हैं. ओके, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन ओलंपिक मेडल. ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम है कर्णम मलेश्वरी. इन्होंने जीता था सिडनी ओलंपिक में. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें जीता था? सिडनी ओलंपिक में जीता था, वेट लिफ्टिंग में. ये तो शायद सबको पता होगा, लेकिन जीता कहाँ था? सिडनी ओलंपिक में जीता था, विमेंस 69 केजी कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में. और सिडनी ओलंपिक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्णम मलेश्वरी ने जीता था कहाँ पर? सिडनी ओलंपिक में. और ये आप लोग कमेंट में लिख के बताइए कि सिडनी ओलंपिक किस ईयर में हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुचिपुड़ी डांस स्टाइल बिलोंग्स टू. कुचिपुड़ी डांस स्टाइल है वो किस प्रदेश, किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश. ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अभी लेटेस्ट अमरावती बनी है. अगर आप को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कई लोगों को अमरावती और विजयवाड़ा के बीच में, तो अमरावती इज़ द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज जावा. जावा जो एक कंप्यूटर की भाषा होती है, उसके आविष्कारक कौन है? तो उसका राइट आंसर है सन माइक्रो सिस्टम्स. ओके, नेक्स्ट, द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो वीडियो, इसमें हम लोग इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. फिलहाल ये क्वेश्चन यहाँ भी है, द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके साथ डील करता है? 10वीं जो अनुसूची है उसमें किसके बारे में बात करी गई है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में. ठीक है, इतना बस आप लोग याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ. नेक्स्ट देखते हैं, द हाइएस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. इंडिया का भारत में सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है केरला. ओके, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है भारत में? तो वो है देहरादून में. ठीक है, देहरादून में है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? वो किस तट पर स्थित है, किस देश के तट पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया. देखिए इतने क्वेश्चंस थे, बहुत जल्दी हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसको कवर किया है, ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं वेस्ट करना था. एक बार आप लोग रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते जाते हैं, और हम लोग भी वो कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाते रहें आप लोगों के लिए. और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लिंक दिए हुए हैं, आप उनके थ्रू जाकर के हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.